क्या करना चाहिए बताओ। डॉक्टर को दिखा दो, बच्चे ने जीना आराम कर रखा है तो। और पहली बार तो सोचो, 100 बार सोचो बच्चा पैदा करने से पहले। दूसरों की बातों में मत आना जिंदगी में कभी भी। जिंदगी में दूसरों की बातों में आके अगर बच्चा पैदा कर लिया ना, दूसरा कोई नहीं आता बच्चा पाल ले, कोई नहीं आ पा रहा है। खुद को ही पालना पड़ता है बच्चा, खुद को ही रात को, खुद को ही रात को जागना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। रात को कोई नहीं आता, दिन में सारे लल्ले पप्पे करने आ जाते हैं, हमें दे दो हमें दे दो, हमें खेलने दो हमें खेलने दो। रोता हुआ देख के हर कोई माँ को पकड़ा देता है, माँ परेशान है इसकी। मैं बस दर्द भरी भावना यही शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ 18 दिन में। मेरी शक्ल पे मत जाओ, जब बच्चा परेशान होता है माँ भी परेशान हो जाती है और बच्चे सारे भी। सही कहते थे, एक बार बच्चा पैदा होने दे वीडियो वीडियो सब निकल जाएगी। सॉरी, सारे सही के नहीं कहते थे। ये रिस्पोंड करती है अभी भी, इसने बोलना आराम करवा रखा मेरा, ये बोलने नहीं देती मुझको, कुछ सकने भी नहीं देती मुझे, बैठ से हिलने भी नहीं देती है, चूंकि आवाज भी नहीं बर्दाश्त करती माँ की शिकायत है बच्चे से, लेकिन बच्चा भी लाचार है, उसको भी कुछ नहीं पता, वो बता नहीं सकता, इसलिए हमेशा बच्चों पे बड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई रो रहा है, एक्सेस में रो रहा है, तो उसके पीछे वजह जाननी जरूरी है, क्योंकि वो बोल के नहीं बताएगा। माँ की नींद आराम करना चाहता है, वो माँ का खाना आराम करना चाहता है, माँ का नहाना आराम करना चाहता है। ये लड़की तब तक नहीं रोती जब तक मैं नॉर्मल बैठी है, नॉर्मल बैठी हूँ। जैसे मैंने पकड़ा खाना, जैसे मैंने नहाने गई, जैसे सब कुछ लगा लो, वैसे इसकी चै स्टार्ट होगी और तब तक नहीं बंद होगी जब तक इसके मुंह में दुद्धू नहीं जाता और इसको भूख भूख नहीं लगी होती है। ये मत सोचिएगा आपके भूख के मारे कह रही हूँ, भूख नहीं लगी होती है इसको, इसको बस चै करना पसंद है बस। आज के इतनी बड़ी तो बात है। मेन बात ये है इन सब से सीखने वाली कि बच्चा ज़्यादा रोने की वजह कुछ ना कुछ होती है, तो उस वजह को पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या वजह है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि ये बच्चा है, बच्चा तो रोएगा, ठीक है बच्चा रोएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रोएगा, इसका जो वजह है वो आपको पकड़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही उसको समझ सकते हो कि वो क्या हो रहा है। उसकी पूरी बॉडी चेक करें कि उसको कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ चीज़ लग तो नहीं रही है, कुछ चुभ तो नहीं रही है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जिसे वो बता नहीं पाएगी, बट आपको उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है।